तो गाइस स्वागत है आप सबका आज की इस वीडियो में। और यहाँ पर सबसे पहले हम बात करें आज की रॉ के बारे में। तो आज यहाँ पर एपिसोड आया था जो कि यहाँ पर क्लैश एट द कैसल के बाद का फर्स्ट एपिसोड था, उसका कह सकते हो फॉल आउट हमें देखने को मिला था। और क्लैश एट द कैसल के अंदर काफ़ी सारे क्वेश्चन थे जिनका आंसर आज की रॉ में हमको मिला। जैसे कि यहाँ पर डोमिनिक मिस्टीरो ने हमने देखा था हिल्टन उनका हुआ था, तो आज यहाँ पर ऑफिशियली उन्होंने यहाँ पर ज्वाइन कर लिया जजमेंट डे को। और यहाँ पर जजमेंट डे के साथ डोमिनिक मिस्टीरो आए थे, बिल्कुल उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। और हमने देखा था जब यहाँ पर मैच भी हुआ था रे मिस्टीरियो और डेमिन प्रीस्ट बीच में, उस मैच के चलते भी यहाँ पर डोमिनिक ने यहाँ पर डिस्ट्रैक्ट यहाँ पर किया था रे मिस्टीरियो को। तो यहाँ पर साफ साफ क्लियर हमें दिखाई दे रहा है जहाँ पर डोमिनिक मिस्टीरियो की अब एक न्यू स्टोरी लाइन चलने वाली है। उनका पूरा लुक यहाँ पर चेंज हो चुका है, पूरी जो जजमेंट डे की थीम है ब्लैक वाली, वैसे ही लुक उन्होंने यहाँ पर ले लिया है। तो कह सकते हो चीज़ें यहाँ पर न्यू हमें दिखाई जा रही हैं, न्यू चीज़ें देखने को मिल रही हैं, इंटरेस्टिंग चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं देखने में, कह सकते हो काफ़ी ना मज़ा आ रहा है। और नेक्स्ट वीक यहाँ पर डोमिनिक मिस्टीरियो और एच का मैच होने वाला है, तो यहाँ पर इस चीज़ को भी WWE ने नेक्स्ट वीक के लिए अनाउंस कर दिया है। इसके अलावा यहाँ पर हम जानते हैं यहाँ पर ब्रॉन स्ट्रोमन वापस आ चुके हैं WWE के अंदर, उनका आज यहाँ पर कमबैक हुआ जहाँ पर सबको उन्होंने डिस्ट्रॉय करके रख दिया। थोड़ा सा यहाँ पर मुझे अजीब लगा था कि यहाँ पर क्यों ब्रॉन स्ट्रोमन यहाँ पर टैग टीम्स के बीच में इन्वॉल्व हुए, क्यों यहाँ पर इस मैच के अंदर वो आए, तो थोड़ा यहाँ पर मुझे समझ में नहीं आया। मैं यहाँ पर सोच रहा था मेन इवेंट के अंदर शायद ब्रॉन स्ट्रोमन आएंगे, लेकिन वो यहाँ पर पहले ही आ गए थे। और यहाँ पर ब्रॉन स्ट्रोमन ने बाद में ये भी अनाउंस कर दिया कि यहाँ पर वो इस वीक स्मैकडाउन में आने वाले हैं, स्मैकडाउन में भी वो हमें देखने को मिलेंगे। तो वहाँ से शायद हमें कुछ पता चलेगा कि यहाँ पर ब्रॉन स्ट्रोमन का क्या यहाँ पर पर्पस है आने का, मतलब क्या उनका टारगेट है, किसको यहाँ पर वो चैलेंज करेंगे, क्यों यहाँ पर वो आए WWE के अंदर। तो वो सारी चीज़ें कह सकते हो हमको यहाँ पर पता चलेंगी। उसके बाद उनका ये कुछ रिएक्शन भी रहा था जहाँ पर वो बोल रहे थे कि यहाँ पर वो सबको मिस कर रहे थे। इसके अलावा यहाँ पर WWE इंडिया ने भी यहाँ पर ये पोस्ट डाली थी ब्रॉन स्टोमन को लेके, जिसका ब्रॉन स्टोमन ने यहाँ पर रिप्लाई दिया, मतलब उन्होंने अपनी स्टोरी के अंदर यहाँ पर इस चीज़ को डाला और हिंदी में उन्होंने यहाँ पर लिखा धन्यवाद। तो एक चीज़ काफ़ी मुझे सही लगी कि यहाँ पर हिंदी में रिप्लाई दिया ब्रॉन स्टोमन ने, धन्यवाद उन्होंने यहाँ पर लिखा है, तो काफ़ी मुझे तो यहाँ पर ये चीज़ सही लगी। बाकी इस वीक स्मैकडाउन में हम देखेंगे ब्रॉन स्टोमन आते हैं तो वहाँ पर वो क्या करने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ पर WWE ने नेक्स्ट वीक की रॉ के लिए कुछ और भी चीज़ों को कन्फर्म कर दिया, जैसे कि विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप का मैच होने वाला है जहाँ पर हमारी चैंपियन जो हैं वो एक बार फिर से अपने टाइटल्स को डिफेंड करने वाली हैं, और यहाँ पर डैमेज कंट्रोल को यहाँ पर एक और बार यहाँ पर मौका मिलने वाला है। और नेक्स्ट वीक यहाँ पर जॉनी गार्गेनो का भी इन रिंग रिटर्न होने वाला है, कमबैक यहाँ पर उनका होने वाला है, देख तो हमने लिया ही था कि वो यहाँ पर वापस आ चुके हैं, लेकिन नेक्स्ट वीक यहाँ पर उनका कोई मैच होने वाला है। अब किसके अगेंस्ट में यहाँ पर मैच होगा वो तो अभी पता नहीं है, लेकिन नेक्स्ट वीक यहाँ पर जॉनी गार्गेनो भी एक्शन में हमें देखने को मिलेंगे। तो काफ़ी सारी चीज़ें कह सकते हो सही चल रही हैं रॉ के ऊपर, न्यू चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं और नेक्स्ट वीक भी एक कमाल का शो हमें देखने को मिलेगा। अगली अपडेट की बात करें तो गाइस यहाँ पर इस वीक का जो डायनामाइट का शो आने वाला है वो भी यहाँ पर फॉल आउट होगा ऑल आउट का। ऑल आउट के बाद का फर्स्ट एपिसोड आएगा और हमने देखा ऑल आउट की एंडिंग किस तरीके से हुई जहाँ पर MJF का कमबैक हुआ था। तो AEW ने यहाँ पर अनाउंस कर दिया कि यहाँ पर इस वीक यहाँ पर डायनामाइट के अंदर MJF आने वाले हैं, उनका कोई सेगमेंट हमें देखने को मिलेगा। तो ये वाली चीज़ यहाँ पर अनाउंस कर दी गई है और MJF के लिए मुझे लग रहा है काफ़ी सारे लोग उस शो को देखेंगे, बिल्कुल मैं तो देखने वाला हूँ। MJF कितने टाइम बाद यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे, सुनने को मिलेंगे, और MJF की जो वाइब है ना वो अलग ही होती है। जिस तरीके से यहाँ पर हम जानते हैं वो माइक पे प्रोमोज वगैरह बोलते हैं, मतलब उनका स्टाइल ही अलग है। तो MJF को इस वीक यहाँ पर डायनामाइट में देखने में मज़ा आएगा। और बाकी हम जानते हैं यहाँ पर ऑल आउट का फॉल आउट है, तो न्यू चीज़ें भी हमें देखने को मिलेंगी, जैसे कि न्यू ट्रियो टैग टीम चैंपियंस यहाँ पर बने हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी इस वीक के डायनामाइट में। इसके अलावा यहाँ पर जो उनका अब नेक्स्ट पेपर व्यू होने वाला है फुल गियर, उसकी भी यहाँ पर डेट ऑफिशियली अनाउंस कर दी गई है, जहाँ पर 19 नवंबर की वो डेट होने वाली है सैटरडे के दिन, जहाँ पर AEW वापस से एक अपना बड़ा वाला शो करने वाली है। तो ये कुछ चीज़ें अनाउंस हैं AEW तरफ से। बाकी इस वीक यहाँ पर डायनामाइट में काफी ज्यादा मजा आने वाला है जहां पर MJF होंगे, और बाकी उसके अलावा हम देखेंगे और क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलती हैं। अगली अपडेट की बात करें तो आज यहाँ पर AEW से एक और अपडेट है जहां पर मैलकाय ब्लैक, उनको लेके इस टाइम पे काफी सारे रिपोर्ट्स काफी सारे र्यूमर्स यहाँ पर चल रहे हैं कि मैलकाय ब्लैक यहाँ पर शायद AEW छोड़ने वाले हैं, लीव करने वाले हैं। कुछ दिनों पहले यहाँ पर यह अपडेट आई थी कि यहाँ पर मैलकाय ब्लैक ने यहाँ पर AEW से रिक्वेस्ट किया कि यहाँ पर वो उनको रिलीज कर दें, रिलीज के यहाँ पर उन्होंने रिक्वेस्ट किया क्योंकि यहाँ पर वो शायद अनहैप्पी है, उनको मतलब उनकी बुकिंग वगैरह कुछ सही लग नहीं रही है। लेकिन रिपोर्ट्स यहाँ पर ये भी बताती हैं उसके बाद कि यहाँ पर AEW ने उनकी इस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया, मतलब ऐसा कोई भी उनका प्लान नहीं कि यहाँ पर वो मैलकाय ब्लैक को रिलीज़ करें। और वैसे भी हम जानते हैं मैलकाय ब्लैक लास्ट ईयर ही आए थे AEW में, तो उन्होंने यहाँ पर मल्टी ईयर की डील साइन करी थी AEW के साथ, 2-3 साल तो आप यहाँ पर समझ ही सकते हो। अभी तो यहाँ पर मैलकाय ब्लैक जाने नहीं वाले AEW से, लेकिन यहाँ पर
कल ऑल आउट के अंदर जब उनका मैच हुआ था हमने देखा, और उस मैच को यहाँ पर स्टिंग की टीम जीत गई थी और स्टिंग ने यहाँ पर मैलकाय ब्लैक को पिन किया था। तो उसके बाद एक वीडियो यहाँ पर निकल के आई है जहाँ पर मैलकाय ब्लैक जब यहाँ पर एरिना को लीव कर रहे थे, जा रहे थे अपने मैच के बाद, तब यहाँ पर फैंस को वो एक कह सकते हो गुड बाय टाइप का बोल रहे थे, उनको किस वगैरह उन्होंने मतलब जो करते हैं ना वैसा यहाँ पर कुछ किया। और इसको देख के ऐसा लग रहा था कि शायद उनका AEW से यहाँ पर ये गुड बाय है, और ब्रोडी किंग और बडी मैथ्यूज के साथ भी यहाँ पर वो हग वगैरह कर रहे थे। तो ऐसा कुछ माना जा रहा है कि शायद यहाँ पर मैलकाय ब्लैक जाने वाले हैं AEW से। अब पता नहीं वो जाने वाले हैं या फिर कुछ टाइम का टाइम ऑफ वो लेने वाले हैं AEW से, ये कुछ यहाँ पर पता नहीं है। लेकिन रिलीज़ की जो रिक्वेस्ट है वो तो रिजेक्ट कर दी AEW ने। बाकी हम देखेंगे मैलकाय ब्लैक के साथ क्या होता है। काफ़ी सारे लोग उनको WWE के अंदर भी देखना चाहते हैं, मैं भी देखना चाहता हूँ, लेकिन देखते हैं जब वो AEW से जाएंगे तब यहाँ पर वो WWE के अंदर आएंगे। अभी तो कुछ सिचुएशन का पता नहीं है, क्या पता कुछ टाइम का उन्होंने टाइम ऑफ लिया, उनकी कुछ हेल्थ इशूज को लेकर भी यहाँ पर कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं। तो ये कुछ सीन चल रहा है मैलकाय ब्लैक की सिचुएशन के ऊपर। आपका क्या कहना है, क्या आप उनको देखना चाहोगे WWE के अंदर, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगली अपडेट की अगर बात करें तो गाइस यहाँ पर ये कोई वैसे कोई बड़ी अपडेट नहीं है, लेकिन अगर आप इंटरनेट के ऊपर काफ़ी ज्यादा एक्टिव रहते हो तो आपने एक वीडियो इस टाइम पर देखा होगा जो कि काफ़ी ज्यादा वायरल हो रहा है, वो है यहाँ पर चेल्सी रिंग का। और अगर आपने नहीं देखा तो मैं आपको बताता हूँ पूरी स्टोरी, वीडियो भी यहाँ पर दिखाऊंगा, काफ़ी 18+ वीडियो है। तो अगर आप मतलब ऐसे टाइप की चीज़ें देखते हो तो यहाँ पर इस वीडियो को देखना। तो यहाँ पर अभी GCW का एक शो आया था जहाँ पर आर्ट ऑफ दी वॉर करके उनका एक इवेंट हो रहा था, जहाँ पर जैक राइडर आप जानते हो मैट कार्डोना, उनका यहाँ पर मैच हो रहा था एक, जहाँ पर वो अपने इंटरनेट टाइटल को ऑन द लाइन लगाया हुआ था उन्होंने जिमी लॉयड के अगेंस्ट में। अब यहाँ पर चेल्सी ग्रीन भाई किसी भी हद तक जा सकती हैं अपने हस्बैंड को यहाँ पर विक्ट्री दिलाने में। होता क्या है इस मैच को, यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि मैट कार्डोना हारने वाले हैं, तो चेल्सी ग्रीन क्या करती हैं वो यहाँ पर इस मैच के अंदर आती हैं, एप्रिन के ऊपर आती हैं और अपनी जो टी शर्ट है भाई उसको यहाँ पर उठा देती हैं, एक्सपोज कर देती हैं अपने आप को। और इस तरीके से यहाँ पर उन्होंने इस मैच के अंदर डिस्ट्रैक्शन की, और वहाँ पर जो क्राउड थी, जो वो सुपरस्टार था, वो तो भाई पागल ही हो गया देख के। इस टाइप की डिस्ट्रैक्शन यहाँ पर चेल्सी ग्रीन ने की। हालांकि मैं आपको इसकी फ्रंट साइड की फ़ोटो दिखाऊं, चूँकि मुझे पता है आप देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा उतावले हो, तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ है नहीं, आप इस फोटो को देख सकते हो। तो चेल्सी ग्रीन यहाँ पर किसी भी हद तक जा सकती है अपने हस्बैंड को यहाँ पर विक्ट्री दिलाने में। और ये मैच और भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी था क्योंकि यहाँ पर मैट कार्डोना का यहाँ पर GCW का जो करियर है वो भी यहाँ पर ऑन द लाइन था, कि अगर वो इस मैच को हारते तो GCW का उनका जो करियर है वो यहाँ पर एंड हो जाता, टाइटल तो वो अपना हार ही जाते। तो इस वजह से भी कह सकते हो चेल्सी ग्रीन ने इस टाइप की कुछ हरकत की इस मैच के अंदर। आपका इसके बारे में क्या कहना है, आपको ऐसा स्टफ पसंद है या फिर नहीं? छोटे मोटे प्रमोशन के अंदर ऐसी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हो जाती हैं, और ये सारी चीज़ें इंडीज़ में ही हमें देखने को मिलती हैं। आपका इसके बारे में जो भी कहना नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक ज़रूर कर देना, और फिर तब तक के लिए ध्यान रखें अपना अपने परिवार का, तब तक के लिए मैं कहता हूँ गुड बाय।